गोंडा पुलिस ने एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसा चुराने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एटीएम से चोरी रुपए और एटीएम में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, अवैध असलहे के साथ तीन अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने सभी थाना अध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए। इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज की अगुवाई में नगर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे चुराने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के तीन सदस्यों को उपकरण से गिरफ्तार किया गया। बता दें, शातिर चोरों ने कैनरा बैंक शाखा में लगे एटीएम मशीन में घुसकर 9,500 रुपए चुराए थे। तीन अभियुक्तों को, राजेश श्रीवास्तव, धनेश्वर शुक्ला और मंटू पासवान को एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक बोलेरो जिसमें बैठ कर के अपराध करते थे, और एक पुलिस की पी कैप और एक पुलिस का फर्जी परिचय पत्र प्राप्त हुआ है। करके एटीएम चेक करने जाते हैं और वहां पर मौका मिलते ही दिन या रात के समय उसमें जहां से पैसा निकलता है वहां पर एक लोहे की पत्ती इंसर्ट कर देते हैं।